नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, नए दिन के नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग शुरू कर लिया। जैसे मैं देख सकते हैं, आज मैं चमाड़ गांव पे हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि परसों कल दिन में करीबन 11-12 बजे जमरिया गाँव में एक औरत पे बाघ ने हमला कर दिया दिन दहाड़े। और ये करीबन उस गाँव में 3-4 कांड हो चुके हैं। अभी मैं हूँ ये चमाड़ गाँव पे, तो चमाड़ गाँव का वीडियो दिखा रहा था आपको। तो फिर कल रात को मैं बिहाड़ी गाँव से आया था, तो बिहाड़ी गाँव के आने के बाद मैं यहीं पर हुआ था। ये है हमारा गणेश भाई का घर है यहाँ पे, तो उनके वहाँ मैं आज पहले मेरे गांव का शूट कर रहा हूँ, उसके बाद निकलूँ घर के लिए। ओ बुबजी खेने ला पापड़। ओ बुबू देखो, अभी तो हिम्मत नहीं हारी बुबू ने, लगे पापड़ खोदने पे। कतु और ज्यादा बुबजी पापड़, कतु और पापड़ तुम्हार मंगल दिख रहा है। तो दोस्तों, जिसको लेना है संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे। और ये है चमाड़ गांव, यहाँ के घर दिखाऊंगा, बहुत प्यारे प्यारे से घर यहाँ पे। और यहाँ के लोगों के जो असुविधा है उनकी वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि यहाँ पे जो गोहत है ना, तो गेहत की दाल को सूखने के बाद यहाँ पे लाठी मतलब कूटा जाता है, उसके बाद उसका दाल निकाल जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे वो परंपरा अभी चल नहीं आ रही है। देखिए, बैलों के द्वारा ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि जब से हमारी उत्तराखंड सरकार ने बैलों पर पाबंद लगा दिया, उसके बाद धीरे धीरे गांव के खेत भी बंजर होने लग गए हैं और बैल भी बहुत कम है गांव में। तो अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं वीडियो में कि ये चीज़ चल रहा है अभी यहाँ पे। देखिए दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं मुझे कि मैं अभी चमाड़ गांव पे हूँ। तो चमाड़ गांव के लोगों ने मेरे को अपनी परेशानी बताई यहाँ पे, तो अभी मैं अम्मा से बात करूंगा। तो अम्मा आइए, अपने बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे गाँव की समस्या आई है। रात में नींद है, बाटा बाटा भी नहीं, बाटा भी नहीं, रोड़ा भी नहीं, जितने विपत आ गए हैं, ना बड़े विपत आ गए, बुढ़ाई नहीं सुनो। गाइस, यहाँ जो है सब चीज की व्यवस्था है, पर एक चीज की जो वो नहीं है, रोड की नहीं है। रोड नहीं है, रोड यहाँ लेटरी माथुन बना बना दिया बिचार पर, यहाँ और कुछ नहीं चाहिए रोड के अलावा। तो दोस्तों, जैसे आपने यहाँ पे सुना अम्मा को कि अम्मा ने अपने बारे में यहाँ पे बताया कि क्या परेशानी चल रही है यहाँ पे। सबसे पहले मैं चाहिए कि यहाँ पे जो सरकार द्वारा चलाया गया था कि हर घर में शौचालय होगा, वो शौचालय भी इन गांव को नहीं मिला, कई घरों को मिला तो कई घर को नहीं मिला यहाँ पे। और यहाँ पे अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गेहत की दाल है ना, तो उसको बैल के द्वारा जो परंपरा है पहले से वो चली आ रही है, लेकिन अभी धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहा है। तो अभी आप सामने देख सकते हैं वीडियो में, देखिए पीछे चल रहा है अभी। और तो चलिए आगे लेके चलेंगे आपको, गांव की समस्या पूरी दिखाएंगे आपको, घर भी दिखाएंगे यहाँ के गांव के। तो चलिए वीडियो बने रहे। हाँ। तो बुढ़ाया को बिल्कुल ना नाते नाते हाँ। देखो ना खोटू में कमी आ गए, आप क्या खाए बात है पहले तुम्हारे ध्याय कतो बच्ची एक का बस तुम्हारे तुम छाया को नंतिन छी तुम्हारे नंतिन छी दिया की नाते न छ होय नाने छ यवनो छ। अच्छा अच्छा, ए चलो ए बुआ जा कता। अच्छा अच्छा, तो चला बुआ जी ध्यागी छी, वो चलुल अपर खुद से रोजगार करो, मतलब ध्यागड़ी कुछ काम कमी या आप दिल्ली में काम करो तब आरी घर घर रहनी। अच्छा। क्या काम करो, गोर बकार धारी है क्या? बकार लचे मादल लचे आ खेत बाड़ी काम लगनी। अच्छा अच्छा, सब चीज ठोस से तो बाई नहीं होनो से। अच्छा अच्छा, होय नाम गुसाई दत्त गो चमार। और तो मतलब यहाँ खेती भी कमानी है तो क्या काम का कमाना है, कोई 2 रुपया किलो खरीदारी नहीं कर रहा है यहाँ। एक पापड़ को कनी गजर को कनी केक को कम से कम 5 क्विंटल अंदर रखा है, कोई एक एक मतलब एक दाना ले जाने को तैयार नहीं है कि कहाँ से लाऊं कहाँ ले जाऊं। तो क्या करना है दे के और क्या करना है बोल के। हाँ। तो बुबजी इतनी परेशानी ये की थी रोड़ा समस्या कारण आप रोड होता तो सब चीज आता ठीक, फिर अंदर यही बात है फोटो बना पापड़ा के मां चाखम बना मलखन बना के ककर हम लोग पापड़ा
अगर कोई खरीदारी हुई दस रुपए किलो तब ले बेचे साला कहाँ तो उनको कौन जा रहा है वो चबाड़ में उनका यहाँ वहाँ हिंडोले से तो 30-40 रुपया खरीद रखे यहाँ 10 रुपया खरीदने वाला नहीं है कोई नहीं रोड देवा वाले हमको रोड हम उनका रोड चाहिए हाँ लाला है दाल नहीं वाला नहीं हमका जो तो बुब जी एक बात यह है कि तुम कम से कि हम पापड़ लगानो मेहनत हम पूरा करूँ ठीक छा मेहनत हम पूरा कर छा लेकिन जो खरीदारी करनी छा वो कोई आहू तैयार नहीं छा की बात यह है कि ये रोड दूर छा और जब तू इत उभर जाना में तू एक्स्ट्रा चार्ज लग जाओ मतलब 300 रुपए जब घोड़ी भाड़ देना 300-400 रुपए किराया लागो महीना होगा तक फिर 300-400 रुपए किराया देना वो उबर के सिलेंडर जानू में 400 रुपए तुम्हारे पूछ लो जो यह परंपरा छ यह परंपरा धीरे धीरे खत्म होते जामू चलिए हाँ तो एक बार यहाँ रोड है कभी है रोड लीजिए मतलब 50,000 तो दोस्तों मैंने आपके आपके सामने इस गांव की समस्या है आपको आपके सामने रखा मैंने अभी तो दोस्तों आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस गांव के बेटे को बहुत ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फैलाना उसको ताकि प्रशासन जल्द से जल्द इनकी सुने और यहां पे कार्रवाई जल्दी करें। तो दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा ये है पापड़ जो अभी यहां पे बुबू जी ने आपको बताया था कि यहां पे पापड़ बहुत हो रखे है करीबन क्विंटल के हिसाब से हो रखा है लेकिन यहां लेने वाला कोई नहीं है ऐसे सड़का सड़क रह जाएगा यहां पे। तो इन्होंने ऐसे यहां पे इन्होंने कोशिश की लगाने की मेहनत की लेकिन मेहनत के बाद फल ना मिले तो उनका क्या फायदा। तो इन्होंने इतना सारा लगाने के बाद भी यहां पे लेने वाला कोई नहीं है और सरकार भी किसी भी तरीके से यहाँ सहायता नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ पे सरकार की बहुत बड़ी यहाँ पे लापरवाही देखने को मिली है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ऐसी बात है ना कि ये जो यहाँ पे लगा रखा है पापड़ लगा रखा है इसको अभी यहाँ मार्केट में बेचा जाता है ये मौलेखाल मार्केट है और यहाँ से बड़े बड़े मार्केट है रामनगर मार्केट है तो वहाँ इसका सप्लाई किया जाता तो आज गाँव वालों को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता यहाँ से लेने वाला कोई है नहीं। जैसे यहाँ पे देख सकते कि अभी यहाँ पे बैलों के द्वारा यहाँ पे इसका वो कर दिया मतलब दाने अलग कर दिए गए यहाँ देख सकते अब इसको अलग करके ये गाय भैंस को दिया जाएगा इसको और जो ये इसके दाने हैं उसको दाल खाया जाएगा ये गेहूं की दाल है। तो देखिए अभी ऐसे कार्य चल रहे हमारे गांव में आज मैंने करीबन 25 गांव कवर कर चुका हूँ लेकिन आज पहली बार अपनी लाइफ में ऐसे देख रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं लाठी से कूट के उसके दाने को अलग करते हैं लेकिन आज पहली बार मैंने बैलों से देखा। तो दोस्तों ये लहसुन के पौधे अच्छे छोटे देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में और यहाँ देखिए केले मेहनत यहाँ के लोग बहुत कर रहे हैं लेकिन इसका फल नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे सरकार इसको लेने वाला कोई है नहीं समूह चला रहे हैं समूह के द्वारा भी यहाँ पे लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये बोले गांव वाले बोले कि तब भी हमको 10 रुपये सस्ता दे दो लेकिन फिर भी यहाँ लेके जाओ लेकिन फिर भी कोई यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये सबसे दूर है करीबन मैं कल रात को आया था तो मेरे को 1 घंटा लगा यहाँ आने में। दोस्तों ध्यान ही आओ सब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा घर बन रखा है यहाँ पे ये देखिए कितना प्यारा घर है। और तो आप चलते हैं यहाँ से एक उधर भी है देख सकते हैं आप जूम कर दिखाऊँ आपको तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे जुड़ा अमरूद मिला देखिए आप भी खाइए। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि गणेश भाई अभी जा रहे हैं पापड़ लेके हिनाना मार्केट बेचने के लिए करीबन यहाँ से 1 घंटा लगेगा पैदल जाने में। मैं यहाँ खुद पैदल खाली हाथ नहीं चल पा रहा हूँ लेकिन मैं गणेश भाई की हिम्मत को दाव देता हूँ कि वो इतना भारी कट्टा लेके यहाँ से पर हिनाना मार्केट जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि सब्जी लगाई है तो उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि जितना इन्वेस्ट किया उतना मुनाफा तो होना चाहिए ना।
तो दोस्तों देखिए, इनकी जज्बे को सलाम करता हूँ मैं, और गणेश भाई के वहाँ रहा मैं कल रात से, यहाँ भी है प्यारा से घर, तो ये घर भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, बकरियों से, बकरी पालन से रोजगारी इसी से है। चलिए ऊपर लेके चल देंगे आपको, देखो कुत्ते का पिल्ला देखो, तो प्यार से करिए। नमस्कार, नमस्कार। यहाँ पपीते का पेड़ देख सकते आप, दोस्तों यहाँ भी कुछ घर हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको। एक दो घर पे छूट जाएंगे ना, तो लोग कमेंट करते हैं कि मेरा घर का नहीं बनाया, तो ये है बहुत प्यारा प्यारा घर बना रखे यहाँ पे। ये देखिए, एक घर के लोग घर छोड़ चले गए हैं शहर के लिए, क्योंकि दोस्तों करीबन एक किलोमीटर आने में ना एक घंटे आने में लगता है, और डेढ़ घंटा करीबन जाने में लगता है। आने में तो नीचाई के लिए है, मतलब डाउन है, और जाने के लिए चढ़ाई है ऊपर, हिल एरिया, पहाड़ी एरिया। तो दोस्तों ऐसे अप और डाउन का सीन है यहाँ पे, और ऐसे इसी कारण से यहाँ पे लोग चले गए प्लान होके, और घर कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सुविधा नहीं है। ये घर देखिए, और प्यारा सा घर। दोस्तों देखिए मुर्गी, हल्दी देखिए यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यहाँ हल्दी और की है, और पापड़ और का है। लोगों द्वारा यहाँ पापड़ हल्दी का ही ज़्यादातर खेती किया गया है, क्योंकि दोस्तों इसी खेती के द्वारा वो अपना पेट पाल ले और खुद का भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं वीडियो में कितना प्यारा सा घर बना रखा है, और नीचे वो भी चमाड़ गांव पे। दोस्तों फाइनली यहाँ से ब्लॉग शूट हो चुका है, और आज आया था मैं चमाड़ गांव पे, और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा कि मैं जमरिया गांव में एक औरत पे बाघ ने हमला किया था, और जिसके कारण से औरत बहुत घायल है, और शायद दोस्तों अभी उसको कंफर्म नहीं है कि अभी क्या न्यूज़ मिली, अभी तो न्यूज़ नहीं आया उसका, तो अभी उनका हालत का पता नहीं है कि कैसे है क्या है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों चलो ठीक है, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।